हेलो दगड़ियों, कंचो तुम ठिकी वेला, तुम मी भी तुम तक के सवाल पूछन ठिकी वेला। स्वागत है तुम्हारे मेरे चैनल स्मिता उत्तराखंड माँ। दोस्तों कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आई हूँ मैं गोल्ड शॉप में, और आज मेरे को अपनी नोज़ रिंग जो है वो चेंज करनी है। बिकॉज़ क्या हुआ कि मेरा जो नोज़ रिंग था वो अचानक से टूट गया। टूटने के कारण मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई फ्रेंड्स, और मेरे को ना नथ वाली जो थी मेरी छोटी सी वाली टाइप की वो ही पसंद थी। और वैसे तो मेरे पास हैं और भी हैं, लेकिन मेरे को सबसे फेवरेट थी वो, और वो अचानक से मैं उसको थोड़ा टाइट कर रही थी, वो टूट गई। इसलिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा यहाँ पे मार्केट में। तो मार्केट में आके मैं यहाँ पे गोल्ड की दुकान में आई थी, और यहाँ पे मैं अपनी नोज़ रिंग अपने लिए पसंद कर रही थी। तो उन्होंने बहुत सारी दिखाई थी यहाँ पे मेरे को, तो लेकिन छोटी छोटी सी थी और काफ़ी छोटी थी और नग वाली थी, और मैं नग वाला लेना नहीं चाह रही थी। क्या होता है ना, नग वाला आप ले तो लो, लेकिन मतलब कि उसकी रेट बाद में डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए गोल्ड वाली मैं प्योर गोल्ड लेना चाह रही थी। तो यहाँ पे ये जो बेटे बैठे हुए हैं, बेटे ही बोलूँगी मैं तो, क्योंकि मेरा बेटा का ही बराबर लग रहा है, तो इसलिए बेटा ही बोलूँगी। तो ये भी शर्मा रहे थे, और मैं जहाँ भी जाती हूँ सब्सक्राइब कराने के लिए बोल देती हूँ, और यहाँ पे ये बिटिया भी है तो ये शर्मा रही थी। मैं बोल रही थी देख लो भाई, कैमरे में देख लो, बाद में ऐसी ही आओगे आप लोग। तो बहुत शर्मा रही थी, नहीं आ रही थी। तो होता है ना, कई लोग नहीं आते कैमरे में, उनको बहुत शर्म आती है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए नोज़ रिंग पसंद कर रही हूँ फ्रेंड्स, और देख रही हूँ कि कौन सा लूँ। और ये तो मेरा बैठे बिठाए खर्चा हो गया मतलब कि रात को मैंने पहनी थी और मैं उसको ना एकदम से टाइट कर रही थी और वो टूट गया। बहुत ही मतलब अच्छी थी, बट ये कि मैंने सोचा चलो अब तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो मैं लेने के लिए आ गई थी। और ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, और ट्राई करके देख रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। और मैं ना यहाँ पे ये जो शॉप है यहाँ पे उसकी गोल्ड की, तो यहाँ पे से ही मैंने सृष्टि की लिए भी नोज़ रिंग ली थी। तो सृष्टि की नोज़ रिंग मेरे को बहुत पसंद आई थी, यहाँ का गोल्ड भी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यहाँ का जो गोल्ड है ना उसमें एक प्योरिटी है मतलब कि, और बहुत ही अच्छा है। मतलब कि मैंने बहुत सारी दुकानें पहले भी ट्राई कर रखी है गोल्ड की, लेकिन क्या है कि मेरे को नहीं पसंद आए, कहीं के भी गोल्ड पसंद नहीं आए, वो अक्सर ब्लैक हो जाते हैं धीरे धीरे। बट यहाँ पे मैं सृष्टि की जो लेके गई थी, सृष्टि की नोज़ रिंग बहुत ज़्यादा शाइन करती है और बहुत ही अच्छी लगती है, और लगता है कि हाँ गोल्ड ही है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि एक ट्रस्ट भी होता है, तो यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं अपने लिए भी यहीं से ले निकल आई। तो कुणाल से मैं पूछ रही थी कि देख ये मेरे नाक पे कैसी लग रही है, तो मैं ट्राई करके दिखा रही थी, तो ये मतलब मेरे को ठीक ठाक लग रही थी, और ना इसका साइज बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा था, मतलब कि मीडियम था। अगर मैं ज़्यादा बड़ा लूँगी तो फिर वो ओवर लगेगा, और बहुत छोटा लूँगी तो वो दिखेगा नहीं। तो मैं यही दिखा रही थी कि ये वाली परफेक्ट लग रही है, और गोल्ड की थी प्योर, मतलब बहुत ही, मतलब यहाँ का गोल्ड मेरे को सच में बहुत पसंद है। और होता है ना कि कहीं पर फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो यहाँ पर जब मैंने सृष्टि के लिए लिया था तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि गोल्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए अब मैं यहाँ से दूसरा नोज़ रिंग भी लेने के लिए आई हूँ, और बस ये मैंने ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर ली थी ये वाली नोज़ रिंग, तो मैंने साइड रख दी थी। फिर भी मैं ऑप्शन के लिए दूसरा चूज़ कर रही थी कि एक बार और देख लेती हूँ, क्या पता मुझे दूसरा इससे भी अच्छा लग जाए। तो ये वाला तो मैंने साइड करके रख दिया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मन से पसंद कर लिया था, बट ये कि फिर भी मैं ट्राई कर रही थी और चेक कर रही थी इनका लॉक, कि ये लॉक वाले ही है ना। तो क्या होता है कि पहले मेरे पास थी तार वाली अक्सर लगती नहीं थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पहले ना तार वाली ही चलती थी, ये लॉक वाली तो अब आने लगी है। तो अब लॉक वाली से काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहता है कि हम फटाफट से मतलब पहन लेते हैं इसको, तो यही मैं पसंद कर रही हूँ। तो बस पूछ रही थी मैं कि ये मेरे को कितने की पड़ेगी और इसका वेट कितना होगा, तो वही मैं यहाँ पर ट्राई नहीं मतलब उनको बोल रही थी। तो और पहले मैंने छोटी सी नग वाली पहन रखी थी, उससे पहले छोटी सी नग वाली डाल रखी थी मैंने, तो उसको मैंने निकाल दिया है। उसकी डंडी थोड़ी सी बड़ी थी, तो मैं ये भी पूछ रही थी कि ये कट हो जाएगा कि नहीं होगा, बट ये कि उन्होंने मेरे को बोला था 4-5 दिन में मैं आऊँगी, तो उसके बाद वो कट करके मेरे को दे देंगे। तो कोई मशीन होती होगी जिससे अच्छे से कट हो जाता होगा, तो वही मशीन उनके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप बाद में आ जाना। तो ये वाली भी मैं चेक कर रही थी, और मैं बोल रही थी ये भी अच्छी नहीं लग रही ना, तो ऐसी बस आप बोर तो नहीं हो रहे ना सुनते सुनते। तो ये देखिए मैंने फाइनली ये वाली नोज़ रिंग पहन ली। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने पसंद कर ली है, और कैसी लग रही है ज़रूर बताना। ये रही मेरी नोज़ रिंग, बहुत ही मतलब पसंद आई मुझे, बहुत अच्छी लगी।
और फ्रेंड्स, मुझे ना कानों में बहुत सारी बालियां पहनना बहुत पसंद है, तो कौन कौन पसंद करता है बहुत सारी बालियां कानों में जरूर बताना। एक साथ तीन तीन चार चार मुझे बहुत पसंद है। नहीं, फिट है नाक के हिसाब से, इससे बड़ी क्या सही लग रही है उधर दिखा भैया को दिखा सही लग रही है ये पहन लीजिए, ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है ना सब्सक्राइब कर देना अभी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से नोज रिंग खरीद ली है, देखिए कैसी लग रही है। और यहाँ पे जो नोज रिंग मैंने अपनी बेटी के लिए भी ली थी, तो मेरे को बहुत ही अच्छा गोल्ड मिला है, मतलब गोल्ड बहुत ही अच्छा है वो, उसकी चमक और मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो मैंने भी सेम ले ली है अपने लिए, क्योंकि मुझे वो भी बहुत पसंद आई थी। तो मतलब कि आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, और आइए जरूर, क्योंकि आपको मिलेगा बिल्कुल प्योर चीज़, प्योर सोना। नाम क्या है यहाँ पे का? श्री गणेश ज्वेलर्स है, और ये राम चौक में पड़ती है मार्केट में। तो आप जरूर यहाँ पे आइए। एड्रेस दिया, हम श्री गणेश ज्वेलर्स से है, पार्लर में हमारी शॉप 1966 से है। हम खानदानी शिशु काम को फॉरवर्ड लेते आते आ रहे हैं, और अभी भी आपकी सेवा में है, हमारे गारंटी क्वालिटी सभी चीज मिलेगी। यस यस, थैंक यू, बाय भैया।